जी, मेरा नाम राबिया जाकिर है, मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं ऑयल पेंट्स में काम करती हूँ। मेरे मोस्टली ऑयल पोर्ट्रेट्स जो हैं वो होते हैं, और ये रिसेंटली जो मैंने पेंटिंग बनाई है मोहम्मद अली सतपारा की है। मैंने ये पेंटिंग क्यों बनाई, इसका क्या बैकग्राउंड है, मोहम्मद अली सतपारा मेरे फेसबुक फ्रेंड भी थे, मेरे सोशल मीडिया फ्रेंड थे, और हम लोगों के काफ़ी म्यूचुअल इंटरेस्ट थे। बिकॉज उन जिस तरह उनका ताल्लुक नॉर्दर्न एरिया से था, मेरा बचपन नॉर्दर्न एरिया में गुजरा, और पहाड़ों के साथ से जिस तरीके से वो फैसिनेट होते थे और नेचर से जो उनकी मोहब्बत थी वो काबिल तारीफ थी। मोहम्मद अली सतपारा जो है उनको उनके जो थॉट्स थे वो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उन्होंने पाकिस्तान को एक नई पहचान दी। केटू का जहाँ जिक्र होगा वहाँ मोहम्मद अली सतपारा का जिक्र आएगा। मोहम्मद अली सतपारा जो हैं वो बुलंद हौसले वाले इंसान थे, और अगर आप इस पेंटिंग को देखा जाए तो मैंने केटू को और मोहम्मद अली सतपारा को इक्वली बनाया है। हालांकि रियलिस्टिक पेंटिंग्स जब होती हैं तो उसमें क्योंकि केटू जो है अगर हम दिखाई दे तो लैंडस्केप में, वो लैंडस्केप बैकग्राउंड में चला जाता, और जो उनका पोर्ट्रेट है जो है वो काफ़ी इससे छोटा होता। मगर मैंने उनकी पिक्चर और केटू को इक्वली बनाने की कोशिश की कि उनके जो हौसले था, उनके जो ख्यालात हैं वो केटू से भी बुलंद थे, और रहती दुनिया तक वो हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। और मैं ये दुआगो हूँ मोहम्मद अली सतपारा की फैमिली के लिए कि अल्लाह उनको सब्र जमीला अता फरमाए, और जिस तरीके से वो एक हौसला मंद इंसान थे और उनकी जो एक पर्सनैलिटी थी और पहाड़ों के साथ जो मोहब्बत थी वो काबिले तारीफ थी, और पाकिस्तानी कौम जो है वो उनके से उन पे फख्र करती है, और एज अ आर्टिस्ट, एज अ पाकिस्तानी कौम की हैसियत से मैं फख्र करती हूँ कि मैंने इनकी पेंटिंग को पेंट किया, और बदकिस्मती से मैं उनको खुद ये दे नहीं सकी और मुझे इस तरीके से पब्लिक रिवील करनी पड़ी अपनी पेंटिंग जो मैंने उनके लिए एक तोहफा बनाई थी। थैंक यू।